से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, और जो हमारे निचले क्रम के जितने भी पदाधिकारी हैं ना, वो हमें जानबूझ के परेशान कर रहे हैं कि बीच में सड़क में खड़े हो जाओ। इनका पता नहीं नैतिक स्तर बहुत डाउन चल रहा है। 45 डिग्री के तापमान में हम आके खड़े रहे तो कैसे रहे। हम यहाँ पे ड्यूटी भी प्रॉपर करते हैं और उसके बावजूद भी जानबूझ के गाली गलौज करते हैं। जो ये DYSP रैंक के अधिकारी होते हैं, ये पता नहीं पुराने ज़माने में भर्ती हुए हैं, तो इनका नैतिक स्तर काफ़ी डाउन चल रहा है। पता नहीं कैसे भर्ती हो क्या है, कभी गाली गलौज करते हैं। इनको ड्यूटी करवाने से कोई मतलब नहीं है, ये हमारे से पर्सनल दुश्मनी निकालने के चक्कर में रहते हैं। श्रीमान आदरणीय SP साहब से हाथ जोड़ के, बहुत बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आदरणीय पुलिस के DG साहब से, कि जो ये निचले क्रम के अधिकारी हैं, इनको या तो किसी जो डायरेक्ट प्रमोशन लेके नहीं आया हो, डायरेक्ट भर्ती हुआ हो RPS, उनको मुख्य ट्रैफिक जैसे पदों की जिम्मेदारियां दी जाए, ताकि उनका नैतिक स्तर अच्छा रहे। ये प्रमोटेड जितने भी RPS हैं, ये बहुत ही गाड़ी गलौज बदतमीजी करते हैं। ये ट्रैफिक के DYSP नेत्रपाल सिंह जब भी आता है तो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं कि धूप में बीच में खड़े हो जाओ। खुद की राजशाही स्थापित करने के लिए, अपना राजपाट दिखाने के लिए हमें परेशान करना चाह रहे हैं। श्रीमान आदरणीय SP साहब और श्रीमान DG साहब, हम जवान हैं, हमारा दर्द समझो। हम उदयपुर पुलिस में कॉन्स्टेबल हैं, हमें भले नौकरी से हटा दो, पद बर्खास्त कर दो, लेकिन इस तरह के बदतमीज अधिकारियों को हटाया जाए। ये श्रीमान और आप न्यूज़ वाले भैया, आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपने हमारा इंटरव्यू लिया, बहुत धन्यवाद।